याद नहीं करते हैं तो जो आत्मा है वो जो बुद्धि है आत्मा की, जो पत्थर बुद्धि है, ऐसा प्योर नहीं होती है तो धारण नहीं हो सकती है। ये उसमें बच्चे कोई भी शक नहीं, जो आते थे सीखे चले गए प्रज्ञा तो आ जाएंगे, पर बाप आए और बाप बाबा बाबा आप जगह आएंगे तब आपसे सुख घनेरे लेंगे, तो घनेरे माना राजधानी लेनी चाहिए ना, घनेरे का ये अर्थ तो यह कि प्रजा में जाना है नहीं बच्चे, ये तो कोशिश कर करके बाप से हिम्मत करके वर्षा लेनी चाहिए। और शिक्षा बिल्कुल सहज है, बहुत अति सहज शिक्षा है, सिर्फ अपन को आत्मा समझ करके और बाप का हम अभी बच्चे बने हैं वो डिफी तक जो होते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी देह मान में, घड़ी घड़ी देह मान में। अच्छा चलो बच्ची, मीठे मीठे सिक्के न दे रूहानी बच्चों पे, देखो बाप रूहानी कहते हैं ना, दूसरा कोई को अकल नहीं आ रही, रूहानी बच्चा किसको कह जाते हैं क्या करते हैं, तो कोई अर्थ भी नहीं समझ सके कि ये रूहानी बच्चे क्यों कहते हैं। और बाप कहते हैं मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूँ, रूहों से बात करता हूँ, रूही सुनते हैं इन ऑर्गन्स द्वारा और रूह के ही बुद्धि में बैठते हैं, शरीर में नहीं बैठते हैं, मैं रूह के ही बुद्धि में ज्ञान, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे भी तो मैं भी तो रूह हूं नहीं, मेरे भी तो ये सारा ज्ञान है नहीं जो इन्हें द्वारा बैठ करके समझाता हूं, तो आत्मा में है नहीं बच्ची, आत्मा ज्ञान का सागर है नहीं, शरीर तो ज्ञान का सागर नहीं है, तो जैसे ही आत्मा ज्ञान का सागर है तैसे तुम आत्माओं को भी ज्ञान का सागर बनाते हैं, ज्ञान का सागर भी बनाते हैं, पवित्रता का सागर भी बनाते हैं, प्यार का सागर भी बनाते हैं, शांति का सागर भी बनाते हैं, और वहां चलेंगे तो सुख का सागर भी बनाते हैं। तो अच्छे अच्छे जो पुरुषार्थी बच्चे हैं ऐसे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद क्या गुण नहीं। तुम ही से देख